आज हम पोहे के साथ एक बहुत ही टेस्टी चटपटा और हेल्दी नाश्ता बनाएंगे जिसे बनाने में हमें सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगेगा। और सबसे खास बात इसकी ये है कि आप इसे सफर में भी लेके जा सकते हैं, ये 2 से 3 दिन तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और उसके बाद आपके सामने ये बेल आएगी, इसे बजाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली सारी नई रेसिपीज की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। तो इस चटपटे से नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मसाला बनाएंगे जो इसे बहुत ही ज्यादा अच्छा फ्लेवर देगा। तो उसके लिए एक पैन में मैंने यहाँ डाला 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया, 1 छोटा चम्मच जीरा और 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च। अब हम इन सारी चीज़ों को लो फ्लेम के ऊपर ड्राई रोस्ट करेंगे। हमें इन्हें तब तक रोस्ट करना है जब तक इसका जो कलर है ना वो हल्का सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और इसमें से एक अच्छी सी खुशबू ना आनी शुरू हो जाए। तो मैंने इस मसाले को तकरीबन 30-40 सेकंड के लिए रोस्ट कर लिया। आप देख रहे हैं कि इसका जो कलर है वो हल्का सा चेंज हो गया। बस अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। इसे आप चाहें तो ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं, बट मैं जिसमें इलायची हम कूटते हैं मैं उसमें इसे ग्राइंड कर लूँगी क्योंकि इतने कम मसाले को हमें पीसने में प्रॉब्लम होगी ग्राइंडर में। तो इस तरह से हमने इसे डाला और अब हम इसे कूट लेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा बारीक पीसने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे हल्का सा दरदरा ही रखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि मैंने इसे थोड़ा दरदरा ही रखा है। तो मसाला अब हमारा तैयार है, अब हम अपना आटा बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ लिया है 1/2 कप गेहूँ का आटा और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1/2 कप पोहा। तो मैंने यहाँ 1/2 कप पोहा लिया था और इसे 5-10 मिनट पहले पानी में भिगो के रख दिया था जिस वजह से ये फूल गया है। और अब हमने इसका पानी थोड़ा निचोड़ के निकाल दिया और इस पोहे को हम डाल देंगे अपने आटे के साथ। पानी में भिगोने की बजाय आप चाहें तो पोहे का पाउडर बना के भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच बेसन और ये जो मसाला हमने पहले बना के रखा है ये भी हम डाल देंगे इसी में। और साथ में हम इसमें डालेंगे 1/4 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इसकी जगह चाहें तो आप इसमें पालक भी यूज़ कर सकते हैं, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और साथ में हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे, 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, इसकी जगह आप काली मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच अजवाइन और 1/4 छोटा चम्मच चाट मसाला या अमचूर। ये इसे बहुत ही अच्छा चटपटा सा फ्लेवर देगा। और एंड में हम इसमें डाल रहे हैं 2 बड़े चम्मच दही के। अगर आप में से कुछ लोग दही पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे हम अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे। हम अपने इस आटे में अभी पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसमें दही ऐड की है और साथ में हमारा जो पोहा था वो गीला था। तो पहले इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और बाद में जितनी पानी की ज़रूरत होगी वो हम इसमें डालेंगे। तो ये मुझे थोड़ा ड्राई लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करेंगे और इसका एक नरम सा आटा गूंद लेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे हम अपने घर में रूटीन में रोटी के लिए बनाते हैं। तो मैंने अपने इस आटे को अच्छे से गूंथ लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच तेल और इसे फिर से थोड़ा गूंद के चिकना कर लेंगे। इस रोटी में अगर आप चाहें तो बहुत सारी और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। आप इसमें उबला हुआ आलू, बारीक कटा हुआ प्याज या कोई भी बची हुई दाल या सब्जी भी डाल के इसमें बना सकते हैं। तो आटा अब हमारा तैयार है, अब हम इसे रोटी बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने हाथों पर हल्का सा सूखा आटा लगाएंगे और थोड़ा सा पोर्शन लेंगे अपने इस आटे का और इसे इस तरह से गोल लोई बना लेंगे इसकी। और अब हम अपने चकले पे थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर लेंगे और इसे बेलना शुरू करेंगे। तो बिल्कुल वैसे जैसे हम अपने घर में रूटीन में रोटी बनाते हैं वैसे बेल लेंगे हम इसे। हमें इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, हम इसे हल्का सा मोटा ही रखेंगे। ये जो नाश्ता आज हम बना रहे हैं ना ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और अगर हम इसमें कोई भी बची हुई दाल या कोई सब्ज़ी ऐड करेंगे तो उससे ये और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। तो रोटी को हमने बेल लिया है और इधर हमारा तवा भी अच्छे से गर्म है। अब हम अपनी रोटी को डाल देंगे इस गर्म तवे के ऊपर और इसे अब हम मीडियम फ्लेम के ऊपर सेक लेंगे। तो एक साइड के ऊपर थोड़े से बबल्स आने शुरू हो गए, अब हम इसकी साइड को पलट देंगे और इसके ऊपर अब हम लगाएंगे थोड़ा सा देसी घी। मैं आज यहाँ देसी घी यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो बटर या नॉर्मल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो घी को हम अच्छे से लगा देंगे अपने इस रोटी के ऊपर और फिर से इसकी साइड को पलट लेंगे और इस साइड के ऊपर भी हम लगा देंगे थोड़ा देसी घी। तो दोनों साइड से हम अपनी इस रोटी को पका लेंगे। अगर आपको अपनी रोटी क्रिस्पी पसंद है तो आप इसे थोड़ा और भी सेक सकते हैं, बट अगर आप इसे लंच बॉक्स में दे रहे हैं या सफ़र में लेके जाना चाहते हैं तो आप इसे थोड़ा सा सॉफ्ट रखिएगा। तो इसी के साथ हमारी ये एक रोटी तैयार है, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से हम अपनी बाकी की रोटी को भी बना लेंगे। तो देखा आपने कि कितना आसान था इसे बनाना, एक बहुत ही आसान और एक हेल्दी ऑप्शन है। तो जब रूटीन की रोटी खाने में बोरिंग लगे तो क्यों ना ऐसा चटपटा नाश्ता ट्राई किया जाए। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।